तो यार एक बजाज पल्सर 220 सीसी मेरे को बहुत पसंद आती है, शुरू से ही आती है। जब से मैं उस पल्सर को देखना स्टार्ट किया है, सही तरीके से समझना स्टार्ट किया है, चलाना स्टार्ट किया, तो भाई एक अलग ही फैन हो गया हूं उसका। और आप भी लिटरली आप भी इस चीज को आपको भी पसंद आती होगी। तो 220 गाड़ी के जब ऊपर बैठते हैं और एक एक्सेलरेटर देते हैं और एक अलग ही निकलती है जूम, स्वाद मिलता है, अलग ही फील मिलता है। बट कहीं कुछ और चेंज हो जाए गाड़ी में फिर क्या होगा? तो चेंज कुछ ऐसा होगा कि गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो भाई अगर अच्छा मैकेनिक ना मिले तो गाड़ी के ऐसे लगते हैं ना अच्छी तरीके से। मैकेनिक के साथ साथ अच्छा मिलना एक ड्राइविंग की स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव करना जरूरी होता है। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो प्रॉब्लम किसी मैकेनिक के पास जाके वो ठीक ना हो पाए, तो कस्टमर को ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं, कस्टमर की ऐसी की तैसी हो जाती है, कस्टमर परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो ऐसे ही आज का एक केस हमारे पास आया है और वो है बजाज पल्सर 220 सीसी। उसके अंदर आ रही है मिसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। तो आइए पहले दिखाते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, क्या पता आपके साथ भी वो प्रॉब्लम चल रही हो और आप इस वीडियो के जरिए उस प्रॉब्लम को समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। किसी भी बजाज की गाड़ी में आ सकती है, बहुत कॉमन है, आज हमारे पास है 220 सीसी। तो चाहिए दिखाते हैं गाड़ी। तो ये रही हमारी पल्सर 220 सीसी की बाइक और ये हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम को बहुत बारीकी समझ लेना, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखना, ठीक है? तो मैंने सेल्फ मारा गाड़ी का, एक अलग ही मजा आता है 220 गाड़ी स्टार्ट करने में। और ये मैं देखना बंद, मैं दोबारा से स्टार्ट करके आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ थोड़ा डीपली। ये मैंने गाड़ी में सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट फर्स्ट क्लास बंद। अब एक बार और दिखाता हूँ, लास्ट टाइम देखना, तीन बार से ज्यादा दिक्कत आती है और दो बार में भूल गई। अच्छा बैटरी डाउन हो गई, क्या बात है, यही दिक्कत है। पर मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा सा बारीकी समझ में आ जाएगा ना आपको। स्टार्ट हो गई, देख रहा हूँ, अब देखना ध्यान से देखना। दुखी करती है इस गाड़ी ने बहुत ज्यादा, यही दिक्कत है भाई इसके अंदर सबसे बड़ी। मैं समझ में आ गया होगा आपको, पेट्रोल इसका ऑन है, पेट्रोल आ रहा है, सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है, टैपेट भी ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट इसके अंदर दिक्कत है तो है क्या? तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बारीकी से, और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कारपीम के बारे में, गैरेज प्रो ओबीडी ट्रेनर। ये जितने भी मैकेनिक लाइन होती है और ऑटोमोबाइल के सेक्टर होता है, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कारपीम ओबीडी ट्रेनर। ऑटोमोबाइल में बदलाव हो रहा है, वो सबसे बड़ा बदलाव है BS6 में ओबीडी स्कैनर सिस्टम का बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। मैं अगर अपनी वर्कशॉप की बात करूं, तो मैं अपनी वर्कशॉप में ओबीडी स्कैनर के लिए गैरेज प्रो का कारपीम का यूज करता हूं। कैसे यूज करता हूं, इससे कितना बेनिफिट होता है, ये मैं आपको बताता हूं और उसके बाद हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करते मिलता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से ही खुलता है और कुछ इस तरीके से इसमें काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी लीड होती है इसके अंदर। और ये इसलिए होती है कि जितनी भी बाइक है BS6 की, बजाज की, हीरो की, यामा की, टीवीएस की, जितनी भी है, उन सभी में ये आराम से अटैच हो जाता है और आराम से आपको हेल्प करता है कि आपकी बाइक में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे सॉल्व होगी, उसमें कहां पर फॉल्ट है। अगर किसी बाइक की आप इसके अंदर रिपोर्ट बना रहे हो, निकाल रहे हो इसके थ्रू, तो आपका जो रिपोर्ट होती है वो ईमेल आईडी पर भी आएगी। इनका खुद का एक पूरा प्रॉपर एक कॉल सपोर्ट के होने के साथ साथ, और साथ ही इसमें ट्रैक मोड भी है, आप इसको लगा के ट्रैक मोड यूज कर सकते हो अपने फोन के द्वारा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है इस वक्त। ट्रैक मोड के अलावा इसके अंदर आप मोटरसाइकिल में जो सर्विस रिमाइंडर होता है उसको भी रीसेट कर सकते हो, साथ में आने वाले जो अपडेट होते हैं मोटरसाइकिल में वो भी इसके द्वारा पता लगा सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट लगता है। अभी फिलहाल इसके ऊपर बहुत भारी छूट चल रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके इसे बाय करके अपनी वर्कशॉप में यूज कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा इस गाड़ी में एक मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली क्या होता है, इंजन के अंदर इंजन को चलाने के लिए तीन सिस्टम चाहिए होते हैं, इंजन फ्यूल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इग्निशन सिस्टम। ये तीन सिस्टम ऐसे होते हैं जिससे इंजन हमारा वर्क करता है। चौथा सिस्टम होता है एयरिंग, जो हमारी हवा होती है, वो हवा और फ्यूल का मिक्सचर जब जाता है, जब स्टार्ट होती है, बट उसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो नेचुरली मिलती है और वो कार्बोरेटर से कनेक्टेड होती है। तो मेन जो फॉल्ट आते हैं वो कहां आते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल सिस्टम और हमारा इग्निशन सिस्टम। तीन ऐसे फॉल्ट, तीन ऐसे सिस्टम होते हैं जो इंजन को चलाते हैं, इंजन को पावर देते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं स्मूथली। अब इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो हमने वो सारे सिस्टम चेक किए, हमने इसका इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम चेक किया, इग्निशन सिस्टम पूरा चेक किया, फ्यूल सिस्टम पूरा चेक किया। तो फ्यूल सिस्टम चेक करने के बाद हमें एक ऐसा फॉल्ट मिला जो बहुत रेयर आता है, आपके साथ भी बहुत रेयर ही हुआ होगा अगर आप टेक्नीशियन है। हाँ, अगर आप राइडर है तो आपके साथ तो प्रॉब्लम ही आती रहती होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि जो प्रॉब्लम इसमें आई है वही सेम प्रॉब्लम आती होगी। आप हो सकता है वजह कोई और हो, प्रॉब्लम सेम हो बट वजह कोई और हो उस प्रॉब्लम को आने की। तो इसमें जो वजह थी उसको ठीक करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने इसमें क्या किया। हरीश आजा लौंडे, फटाफट आजा, तेरे बगैर तो काम ही अधूरा है। थैंक यू तारिश की, फटाफट। हाँ, 13 का बोल्ट है, इसमें गलत बोल्ट लगा रखा है, तो ये बोल्ट भी चेंज कर देना। ये बोल्ट इसका नहीं है प्रॉपर, इसमें कॉलर वाला बोल्ट लगता है, जिसमें कॉलर होता है, 12 नंबर की टोपी होती है उसकी, और चूड़ी भी 12 नंबर की होती है, 12 मतलब 12 मिलीमीटर। वायर अलग करो, डिस्कनेक्ट करो सारी चीज़ें, जैसे फ्यूल पाइप हो गया, फ्यूल गेज हो गया, और ड्रिन वाला जो बोल्ट पाइप होता है उसको अलग करो। टंकी अलग हो गई हमारी, ठीक है, आप इधर आइए मेरे पास।
देखो अगर आप गाड़ी के कार्बोरेटर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो स्लाइड से रिलेटेड है तो आप टंकी उतार के भी उसे अलग करके स्लाइड का ये कैप खोल के चेक कर सकते हैं। वो पूरा कार्बोरेटर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कार्बोरेटर निकालने के टाइम पे ना कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसमें हमें टाइम तो लगता ही लगता है, साथ में ना इसका जो ये पाइप होता है ये वाला, इस पाइप के फटने के चांस होते हैं। तो उस सेफ्टी को देखते हुए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब हमारा काम यहाँ से चल जाएगा तो हमें जरूरत क्या है नीचे से पाइप पूरा कार्बोरेटर बाहर निकालने की। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं, आपकी गाड़ी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को देख के, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो। और अगर आ सकते हैं तो फिर आपको पता ही है कैसे आना है। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, हमारा फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, आप फॉलो करके आ सकते हैं। हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आना। तो मैं अभी इसकी स्लाइड बाहर निकाल रहा हूँ, टॉप कवर खोल के कार्बोरेटर का। ये चार इसके स्क्रू होते हैं इसके अंदर, इससे मैं इसकी स्लाइड बाहर निकालूंगा। तो जैसे कि आपने देखा ये स्लाइड हमने बाहर निकाल ली है। अब इस स्लाइड में फॉल्ट क्या है, ये स्लाइड इस कार्बोरेटर के अंदर जाम है। अब ये जाम होने की वजह से जब हम एक्सेलेटर ले रहे हैं तो प्रॉपर स्लाइड ऊपर नहीं उठ रही है, क्योंकि इसमें ये वैक्यूम से ऊपर उठती है। वैक्यूम उतना ही मिलेगा जितना कंपनी ने इसके रिकमेंडेड किया है, मतलब एयर फिल्टर की साइड में जो कंपनी ने इसमें रिकमेंडेड किया है उतना ही वैक्यूम मिलेगा। उस वैक्यूम के आधार पर जो इसके अंदर फ्रीनेस होनी चाहिए, स्लाइड के अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वो नहीं है, टाइट है, जिस वजह से एक्सेलेटर लेने पे स्लो में गाड़ी बंद हो रही है, मिसिंग कर रही है और परेशान कर रही है कस्टमर को सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ा रीजन यही था, ये स्लाइड इसमें जाम हो रही थी। ये जाम नहीं होनी चाहिए, अगर जाम होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम इसकी स्लाइड चेंज कर देंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर स्लाइड नहीं है तो कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम सोचें इस पर हम रेगमाल मार के इसको घिसके पतला कर लें, सॉफ्ट कर लें, तो उसके ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। अगर आप इस पर रेगमाल मारेंगे तो ये सॉफ्ट तो हो जाएगी और जो मिसिंग की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन और चीजें बढ़ जाएंगी, जैसे कि पिकअप खत्म हो जाएगा गाड़ी के अंदर, ओवर रेसिंग आ जाएगी गाड़ी के अंदर, और कहीं ना कहीं गाड़ी हीट भी ज्यादा करेगी। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे कि सुना इस स्लाइड पे ज्यादा प्रेशर ना पड़ने की वजह से ऊपर ही नहीं उठ पाती और जाम हो जाती है। काफी सारे मकैनिक वो क्या करते हैं, इस पल्सर 220 को सही करने के लिए इस स्लाइड को ही चलाने की कोशिश करते हैं, और उस सिचुएशन में वो सोचते हैं यार इस स्लाइड में प्रेशर ही तो पड़ना चाहिए, क्यों ना इस स्प्रिंग को खींच के किया जाए। काफी सारे लोग स्प्रिंग को ऐसे खींच देते हैं, जबकि मैं बता दूं अगर स्प्रिंग को आप खींच लोगे ना और काट लोगे या स्प्रिंग के साथ जुगाड़ कर दोगे, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूं, अगर इसे सिर्फ खींच लोगे तो कंपनी की नजरों में, इंजीनियरों की नजरों में ये प्रोडक्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो ये खींचना बिल्कुल नहीं चाहिए, काटना भी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें कभी कोई कमी आती ही नहीं है स्प्रिंग के अंदर। अगर कोई मैकेनिक अच्छे तरीके से इसको ढंग से केयरिंग कर रहा है, रख रहा है कहीं तरीके से, इंजन को खोलते समय, कार्बोरेटर को खोलते समय साइड में इज्जत से इसको रख दिया, तो इस स्लाइड में ही कमी होती है, साइड से घिस जाती है, जिसकी वजह से इसमें दिक्कतें आने लगती है। और एक बात और बता दो, अगर आपने स्लाइड चेंज कर दी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, पर कुछ कुछ ऐसी गाड़ियां होती है जिनमें स्लाइड चेंज करने पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उनका रीजन होता है कार्बोरेटर की बोरिंग। अब यार देखो ये वाला पॉइंट है, मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूं, कार्बोरेटर के अंदर डाल रहा हूं। अब ये वाली घिसी है चीज, ये जो चीज घिस गई है ना, घिसी कैसे है, उस बोरिंग की वजह से, कार्बोरेटर के थ्रॉटल की वजह से, अंदर की वजह से। अब मान लो आपने स्लाइड चेंज कर दी, अब उसके अंदर का जो पार्ट है ना वो भी घिसा पड़ा है, तो आपको दोनों ही चीजों में, दोनों ही मतलब प्रॉब्लम में आपको पूरा कार्बोरेटर ही चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर बहुत ही ऐसे कम केसेस होते हैं जिससे स्लाइड चल जाती है, काम चल जाता है, काम सेट हो जाता है। बट अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप कार्बोरेटर चेंज कराते हो तो आप बहुत लंबे टाइम के लिए फ्री हो जाते हो, वहीं अगर आप स्लाइड चेंज कराते हो एक शॉर्ट टर्म के लिए फ्री हो जाते हो। बट अगर आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक मात्रा में और आपकी गाड़ी की स्लाइड किसी मैकेनिक की लापरवाही की वजह से खराब हो गई है, तो भी उस सिचुएशन में कार्बोरेटर डलवाने की जरूरत नहीं होती है, स्लाइड से काम चल जाता है। बट ध्यान रहे, कार्बोरेटर एक ऐसी चीज होती है, अनाड़ी बंदा अगर मैकेनिक कोई भी कार्बोरेटर को छेड़ता है, छेड़ाखानी करता है, समझ लो आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर की जिंदगी झंड हो चुकी है और आपको ये कार्बोरेटर नया डलवाना पड़ेगा। और कार्बोरेटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, स्लाइड के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा महंगा कार्बोरेटर पड़ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3,500, 2,000, 3,000, 2,500, अलग अलग बाइक के अलग अलग कार्बोरेटर का प्राइस होता है, अनुमानित रेट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। और स्लाइड बहुत ही कम मात्रा में कम पैसों की मिल जाती है। बट स्लाइड के बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता, और आगे जान लेते हैं। अब एक सवाल उठता है कि प्रॉब्लम इस गाड़ी में आई क्यों, स्लाइड जाम हुई, बड़ा सवाल है क्यों हुई। होता क्या है, जब गाड़ी चलती रहती है तो साल डेढ़ दो साल में कार्बोरेटर में बहुत सारा मॉइस्चर जम जाता है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी मिसिंग करिए जेट साफ करके काम चलाते हैं, पूरा कार्बोरेटर ओवरऑल नहीं करते हैं। कायदे में अगर रिक्वायर्ड है दो साल में, एक साल में, तो पूरा कार्बोरेटर खोल के क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फिर उसको अच्छे से फिट करके टैकोमीटर से ट्यून अप होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो स्लाइड की लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत सारा आने से और यहाँ जमने से ये खराब हुई है, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉलिश हो रखी होती है ना वो फूल गई। अगर मॉइस्चर नहीं आया होता, ऐसा नहीं होता, तो अभी इसके अंदर हम स्लाइड चेंज कर देंगे, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है, नहीं होती तो कार्बोरेटर नया डालते, उसके बाद हम ये प्रॉब्लम आपको चेक दिखाते हैं सही हुई या नहीं हुई, हालांकि हम पहले चेक कर चुके हैं सब। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फिट करते हैं इसके अंदर ये स्लाइड, और आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई सॉल्व। सर ना करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आपके साथ वीडियो जो शेयर करी हमने उस पूरी नॉलेज के साथ आपसे एक उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और हाँ चैनल सब्सक्राइब तो करना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि ना यार अपना लोग पता क्या, अब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते ना बड़ा दुखा होता है, तो जल्दी जाओ नीचे जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट करो, एक नई नई वीडियो, नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम दिन रात शेयर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनेगी दूसरी तैयार। तो फटाफट से करते हैं सब तैयार, रेडी। तो फाइनली गाड़ी में स्लाइड डल चुकी है, गाड़ी हो गई है ओके। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, चाबी ऑन कर दी। अब मान में आ रहा हूँ भाई ये टंकी नहीं है, बिना टंकी भाई पैसा, पेट्रोल टैंक में ये जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल उस कार्बोरेटर में थोड़ा बहुत रहता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो अब देखना, ठीक है अब ये देखना, अरे यार ये नाराज कर रही है यार, तो यार बता यार,
यही चाह रहे थे ना आप। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो। देख रहे हो, तो यही बातचीत है हमारी ARV ब्रदर्स। तो अभी हाँ एक बात और, कैसे भी 220 हो, कोई सी भी 220 हो या कोई सी पल्सर हो, कैसा भी उसमें दिक्कत हो, कैसे भी बीमारी हो, वो ये ना सारी की सारी बीमारी यही आके हमारे पास देके मारी। क्या बोल रहा हूँ, कुल मिलाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ पे गाड़ी लेके आओगे ना। तो एड्रेस हमारी वर्कशॉप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी मंगलवार को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है। और हाँ एक चीज और, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता पता है तो भाई गूगल पर जाना, ARV ब्रदर्स वर्कशॉप लिखना, सारी डिटेल आपको आ जाएगी, फोन करना और मैडम से बात करना और अपॉइंटमेंट लेना, आप गाड़ी लेके आ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में आ रहा खर्चा करना है तो स्लाइड के पैसे लगा लो, लेबर लगा लो, यही खर्चा था। बाकी हर जगह स्लाइड अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी में आप गाड़ी लेके आते हो, मान लो आपकी गाड़ी में स्लाइड आपकी गाड़ी के आपके मन में आ रहा पहले से राजवीर भाई के पास जाऊंगा स्लाइड डलवा लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर लगेगा ना कार्यूटर, इस बंदे ने कार्यूटर नया डलवा था, आगे दिखा देता हूं मैं, देखो ये देखो, देखो ये देखो कार्यूटर नया डलवा इसके अंदर, देख रहा हूं। और इसके बाद गाड़ी में दिक्कत आ गई, सोच रहे हो दिक्कत आ गई, दिक्कत मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कार्यूटर के अंदर। तो भैया कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लिया करो, तो भी दिक्कत आती है। पुराना कार्यूटर देने की वजह से गाड़ी में दिक्कत आई है और हमने तो सॉल्व कर दिया। आपके पुराने कार्यूटर में नई स्लाइड छोड़ के थोड़ी ना सही कर देंगे, तो छोटी छोटी चीजों को समझना होता है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।